हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। नीचे जो है अंडरग्राउंड और ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन है। सो आप देखिएगा इस वीडियो को एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द ओनर एंड द इंजीनियर ऑफ दिस हाउस, ऑल क्रेडिट गोज टू देम। सो इसका वॉक थ्रू मैं दिखाता हूँ। देखिएगा ये रोड लेवल पर जो है अंडरग्राउंड लिया गया, रोड लेवल से एक स्लोप ही लिया गया ताकि उनका व्हीकल कार पार्किंग हो वो सब स्टोर पार्क करने के लिए सफिशेंट जगह। एंड ये जगह ऐसा है थोड़ा सा स्लोपी एरिया है तो उसकी वजह से एक नया आइडिया आर्किटेक्ट इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है, फिर हाउस ओनर के द्वारा। एंड मेन एंट्रेंस वहाँ से दिया, इधर जो है ऐसे यू शेप में खुला रखा गया। ओके, यहाँ पर हाफ एच आप मान सकते हैं। सो मेन एंट्रेंस वहाँ से ईस्ट की तरफ से, ईस्ट फेसिंग हाउस, लेट अस सी। एंड मैं अभी आपको फर्स्ट अंडरग्राउंड में जाके दिखाता हूँ। सो कॉलम का साइज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया 9x15 इंच का कॉलम। एंड ए स्लैब का थिकनेस अप्रोक्सीमेट 5 inches। एंड स्लोप भी नॉर्मल स्लोप है, उतना ज़्यादा ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होता। अप्रोक्सीमेट ये इस तरह से करीब 40 feet दिख रहा है ऐसा, लंबाई में 45 ऐसा कुछ है अप्रोक्सीमेट एरिया। ओके, और अंडरग्राउंड से आप फर्स्ट फ्लोर जाना चाहते तो भी यहाँ से एंट्रेंस देगा स्टेप्स इस पोर्शन की तरफ से। बहुत ही बढ़िया प्लानिंग, इसको आप सेलर कह सकते हैं। एंड कॉलम साइज 9x15 inch, बीम 1 feet, बीम 12 inches, एंड स्टेयरकेस 3+3। तो इस तरह से जो है आपके पास 2-3 car होने से भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इधर से मेन एंट्रेंस, यहाँ से आप घर के अंदर एंटर कर सकते हैं इस पोर्शन से। सो बात करें ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड से अप्रोक्सीमेट 4 feet हाइट पे लिया गया। अब बात करें यहाँ तक बोले तो करीब करीब 5 feet है वो हाइट, ठीक है, ग्राउंड लेवल से 5 feet हाइट, बाकी का ये डाउनल में। एंड इसको भी छज्जा दिया गया, उसको लिंटल सपोर्टिंग विंडोज पर्पस। एंड फर्स्ट फ्लोर जाना है आपको तो यही स्टेयरकेस ग्राउंड लेवल से ऊपर चले जाता है, ये कंटिन्यूशन रहेगा। और मेन डोर की बात करें तो यहाँ से मेन डोर, बहुत ही बेस्ट और यूनिक प्लानिंग। हॉल, यहाँ पर किचन, टॉयलेट रूम, हैंड वॉश, और इधर दो बेडरूम। सो टोटली एक इंजीनियर्ड प्लान है, सिल के जैसा बनाया गया। एंड ये जो आउटर की तरफ छज्जा लिया ना, उसको भी सपोर्ट मिलता है इससे, मेन चीज़ वो है। जैसा यहाँ पर छज्जा लिया है उन्होंने तो उसका वेट बैलेंस होना बोल के ये सिल डाले गए विंडोज़ पे। इधर शेलूज आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद एक बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ। एंड इधर भी शेलूज,
और इधर बीच में बेड रहा तो दो वर्टिकल विंडोज़।